हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सबा स्पेशल। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वन वीक के लिए इंडिया गए थे, तो इन्होंने वहाँ पे ये वीडियो शूट किया था, जो इनके आने के बाद मैं यहाँ पे इसको एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ। मेरा भी मन कर रहा था जब ये लोग रेडी हो रहे थे तो मैं भी जाऊँ, लेकिन ये लोग एमरजेंसी वेकेशन गए थे तो मैं नहीं जा पाई। हम लोग भी इंशाल्लाह जाएंगे, इस ईयर में जाएंगे। एक्चुअली इन लोगों का फ्लाइट 9:15 का था, तो 45 मिनट्स डिले हो गया, तो ये लोग वेट कर रहे हैं, ये बोर्डिंग पास लेके वेट कर रहे थे। अभी फ्लाइट का टाइम हुआ तो अभी ये लोग जा रहे हैं। यहाँ पे अरफान बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो अपने दादा दादी और नाना नानी से मिलने जा रहे हैं। हमारा नेटिव प्लेस मैंगलोर है, तो दमाम से डायरेक्ट फ्लाइट है मैंगलोर के लिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो उसी में जा रहे हैं ये लोग। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऑब्वियसली खुशी की बात है, क्योंकि जब नेटिव प्लेस जाते हैं तो इतना ही एक्साइटमेंट रहता है। अभी यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है टेक ऑफ के लिए। हमेशा मेरे बेटे को जब टेक ऑफ होता है और जब लैंडिंग होती है तो उसके ईयर में दर्द होता है, तो वो हमेशा डरता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो कैसे बैठा है। रात का टाइम है तो अभी इनको फ्लाइट में डिनर मिला है, तो ये डिनर कर रहे हैं। अभी ये लोग रीच हो गए, तो ये लोग फ्लाइट से निकलकर इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था जब वो जाएंगे तो वीडियो ज़रूर शूट करके लेके आना, तो वो लेके आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी पैसेंजर आ रहे हैं, क्लियरली उनका कोरोना वायरस का चेकिंग कर रहे हैं। एयरपोर्ट से हमारा घर 40 मिनट्स की दूरी पे है। लोग अभी लगेज लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी इन्हें एक घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि इनके लगेज में वो जो बैटरी वाला सेल वाला बैटरी आता है वो था, तो वहाँ पे ओपन करके उन्होंने चेक किया, क्योंकि इसके अंदर सेल था, तो फिर वहाँ पे उन्हें एक घंटा फिर से वेट करना पड़ा। तो लगेज ही लेट आया था, फिर से ऊपर से वो बॉक्स ओपन करके चेक करना पड़ा, तो फिर उन्हें वेट करना पड़ा। एक्चुअली मेरे अब्बू और मेरे ससुर जी आके बाहर वेट कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंगलोर का ट्रेडिशन है जो आपको दिख रहा है। ये मेरे ससुर जी हैं जो इन लोगों को पिक करने के लिए आए थे, वो अर्ली मॉर्निंग आके इनको वेट कर रहे थे। शायद वो एक या डेढ़ घंटा पहले ही आ गए थे, फिर से एक घंटा, तकरीबन उन्होंने दो घंटा वेट किया था इन लोगों के लिए। ये रात में फ्लाइट में डिनर करने के बाद कुछ नहीं खाए थे, तो जाते समय होटल पर जाके थोड़ा लाइट से चाय और नाश्ता करके गए। ये हमारा अलवास कॉलेज है, जो कि बहुत जाना माना है। यहाँ पे बहुत स्टेट के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ा है कॉलेज। हमारे घर से
10 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे हमारे एरिया देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम हरियाली सब। एक साल के बाद मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मेरे ससुराल और मायका एकदम आसपास है तो वो दोनों ही साथ में आए थे इन लोगों को पिक करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें। ये अभी अभी यहाँ पे रीच हुए हैं। ये मेरा ससुराल है, जो इनके हाथ में जो बच्चा है ये मेरे देवर की बेटी है। इसका नाम आयत है।